अब हम बात करेंगे चंद्रमा का 12 भावों में क्या फल होता है। चंद्रमा को कारक माना गया है और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के स्वामी भी है, राइट, जो कि चौथे वो हैं, और जो कि जो है कर्क को ये माना गया है कि उनकी लाइफ में जो राजयोग आता है वो इसी की वजह से आता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि भाई चंद्रमा का क्या हिसाब किताब आपकी लाइफ में बनता है। ओके, इसमें बहुत सारी पौराणिक स्टोरी हैं कि भाई अत्रि और उनकी वाइफ अनिसुईया की भी एक कहानी है। उन कहानियों में ना जाते हुए सीधा जंप करते हैं हम इनके फर्स्ट भाव में कि भाई अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा फर्स्ट भाव में है, पहले घर में है, तो वहाँ पर क्या उसका प्रभाव मिलेगा। तो एक तो यह है कि भैया ये होंगे दिलफेंका सिख, ठीक है, फ्लर्ट होंगे बिल्कुल बहुत ही बुरे तरीके के, बहुत ही मतलब शानदार तरीके के फ्लर्ट होंगे ये, और जेंटल होंगे लेकिन इनको थोड़ा डर भी लगेगा चीज़ों से, है ना। और ये जो है और अगर इनका अगर और कुछ प्लेसमेंट अगर इसमें अगर हुआ तो ये जो है काफ़ी कुछ विद्याओं के ज्ञानी भी होंगे, और अगर डेबिलेटेड हुआ अगर इसमें तो इनको कुछ एडिक्शन की तरफ इशारा चला जाएगा, राइट, तो उस तरफ जो है ये होगा। और ये इनको 27 साल की उम्र में कोई बीमारी का भी खतरा हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की कि भाई दूसरे घर में अगर चंद्रमा है तो वहाँ पर क्या होगा। इनको पढ़ने लिखने का शौक होगा और ये जो है इनको चंद्रमा जो है वो पढ़ाई लिखाई में की तरफ लेकर के जाएगा, अच्छी इनको जो है वक्ता बनाएगा, और साथ में क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो इनको ब्यूटी से संबंधित है ना, उससे ब्यूटी से संबंधित इनको जो है कुछ कामकाज या उससे पैसे भी देगा इनको, ठीक है। और ये अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे पर और इनको पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, और जो है लेकिन इनको क्या होता है कि इनको जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है कई बार उसमें हिस्सा नहीं मिलता है, ये अपनी मेहनत से ही जो है सब कुछ कमाते हैं। चंद्रमा को यात्राओं का कारक भी माना गया है, और सेकंड घर में जो है जब ये आते हैं चंद्रमा जब सेकंड घर में है आपकी कुंडली में तो आपको विदेशों की यात्रा भी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और जो है 27 साल के बाद में इनका भाग्योदय होना शुरू होता है। थर्ड हाउस में अगर है अगर चंद्रमा, तीसरे घर में अगर चंद्रमा है, तीसरे भाव में है चंद्रमा, तो क्या होगा। ये जो है आपको दयालु बनाता है चंद्रमा, और आपको जो है एक बढ़िया फाइनेंशियल कंडीशन आपकी देगा, राइट, और आपको जो है कई तरह की गूढ़ विद्याओं का भी ज्ञानी बनाएगा ये, और आपका जो अच्छा जो भाग्य है वो 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, और 27 या 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके होते हैं, राइट। और अगर थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत हुआ तो थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर अगर ये डेबिलेटेड हुआ तो यहाँ पर ये आपको कंजूस भी बनाएगा, लेकिन थर्ड हाउस में अच्छा माना जाता है मून, बढ़िया माना जाता है, और जो है आपको ये कला साहित्य पोएट्री की तरफ भी लेकर के जाएगा ये वाला चंद्रमा। अगर चौथे हाउस में अगर चंद्रमा है फोर्थ हाउस में तब क्या है। चौथे घर का जो चंद्रमा है वो आपको एग्रीकल्चर, कृषि, माइंस, है ना, इस तरह के कामों में संलिप्त करेगा, इस तरह के कामों में आपको लगाएगा, और शादी के बाद आपका जो है भाग्योदय होता है और अच्छी इनकम होने लगती है शादी के बाद, राइट। अब यहाँ पर जो है इसमें थोड़े से ये है कि आपको जो यहाँ पर खुशी मिलेगी वो थोड़ा सा अजीब से काम करके भी खुशी मिलती है, अट्रैक्टिव होंगे आप काफ़ी ज़्यादा और सामने वाले भी आपको पसंद करेंगे, लेकिन कई बार जो है बुरी संगत भी आपका पीछा करेगी, ये चंद्रमा चौथे घर में ये असर देता है। नाउ फिफ्थ, अगर फिफ्थ घर में है, पांचवें घर में है, तो ये है कि चंद्रमा जो है वो आपको मालदार बनाएगा, आपको पढ़ाई लिखाई करने वाला बनाएगा, आपको काइंड हार्टेड बनाएगा, आपको हमेशा खुश रखेगा, और जो है सेल्फ मेड पर्सन आप होंगे, ठीक है। और अगर
चंद्रमा अगर जो है कर्क राशि में हुए जब है तो आपको जो है यहाँ पर पुत्री की भी जो है प्राप्ति या पुत्री आपकी ज़्यादा होंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि चंद्रमा ये जो पांचवें घर का चंद्रमा है ये आपको लॉटरी में भी विजयी बनाता है, यानी कि आपको लॉटरी स्पेकुलेशन इस तरह के उसमें बढ़िया मिलेगा, राइट। लेकिन जो है अगर मून के आसपास अगर मून अफेक्टेड हुआ चंद्रमा से तो आपको यहाँ पर दूसरों पर हंसी नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि वो भी जो है बढ़ावा इससे मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास में सिक्स्थ हाउस के भाई छठे घर में अगर स्वामी है तब क्या होगा। छठे घर का जो चंद्रमा होता है वो आपको थोड़ा सा रूड बनाता है, एरोगेंट बनाता है, और नौकर चाकर होंगे लेकिन उनसे कुछ खास कुछ बनेगी नहीं, वो नौकर चाकर भी जो है बार बार चेंज करते रहेंगे आपके रूडनेस की वजह से, ठीक है, और हैवी खर्चे जो है लाइफ में आएंगे। सातवें घर का जो चंद्रमा है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है दया से भर देगा, बहुत ही ज़्यादा दया से भर देगा, और आप जो है जो सामने वाले आपके लाइफ पार्टनर हैं या उनसे आपको जो है अच्छी खासी मित्रता होगी, और मिठाई खाने का शौकीन बनाएगा आपको, मीठे का मीठा बड़ा पसंद होगा अगर चंद्रमा सातवें घर में है तो, ठीक है। और अगर चंद्रमा के साथ में सातवें घर में अगर आपको जुपिटर बुध या मरकरी भी बुध या जो है गुरु दुबी मिल जाए तो बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक आपको बनाता है, ठीक है। और ये है तो 24 साल की उम्र पे जो है जल्दी शादी हो जाती है इनकी अगर सातवें घर में चंद्रमा हो तो। अगर आठवें घर में हो तब क्या होगा, आठवें घर में जो है आपको बीमारियां लेकर के आता है चंद्रमा, ये आठवें घर का ये जो आठवें घर में जो है ये आपको कुछ ऐसी परेशानियां देगा जो आपके साथ हमेशा लगी रहेंगी, ठीक है। और 32 साल की उम्र में कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट भी होने के चांसेस होते हैं, राइट। एंड अब हम बात करते हैं नाइन्थ घर की, नौवें घर की। नौवें घर में अगर आप हैं, नौवें घर को पिता का घर माना गया है, ओके। तो यहाँ पर जो है नौवें घर में अगर आपका चंद्रमा है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा पुत्र बनाता है, अच्छी संतान आपको बनाता है, और आपको अच्छी संतान की प्राप्ति भी होती है, ठीक है। अच्छा जो है लक आपको आता है और 24 साल की उम्र से आपका भाग्योदय भी होने लगता है। टेंथ घर में, दसवें घर में अगर चंद्रमा है तब क्या होगा। ये जो है दसवें घर का चंद्रमा आपको जो है, क्योंकि ये D10 मतलब एक तरीके से दशम भाव में है, दशम भाव में जो है जब चंद्रमा होगा तो आपको जो है चंद्रमा से रिलेटेड काम आपको करेंगे, प्रोफेशन आपके चंद्रमा से रिलेटेड होंगे, राइट। जैसे टूर ट्रेवल इस तरह की चीज़ें, पानी संबंधित काम इस तरह से, तो गवर्नमेंट और ये जो है आपको बढ़िया लकी बनाता है। आप गवर्नमेंट जॉब्स भी करेंगे और जो है और उससे अगर स्विच होते हैं तो अपना बिजनेस भी करने के चांसेस हैं, ठीक है। और चंद्रमा अगर यहाँ पर ठीक है बढ़िया है तो आपको बड़े बड़े पद मिलेंगे, और अगर चंद्रमा अगर खराब हुआ यहाँ पर इस घर में तो आपको यहाँ पर शादी में कुछ दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। लेकिन आपका भाग्योदय जो माना गया है वो 24 साल के बाद होता है और फिर 43 ईयर्स के बाद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्यारहवां घर। ग्यारहवें घर में अगर चंद्रमा है तो आपको मालदार बनाता है ये, और आपके जो भी बच्चे संतान हैं उनको भी जो है बढ़िया पद मिलते हैं लाइफ में और वो भी तरक्की करते हैं, ठीक है। और अगर चंद्रमा यहाँ पर अगर थोड़ा भी खराब हुआ तो यहाँ पर थोड़ी सी बैड रेपुटेशन भी आने के चांसेस होते हैं। 16 और 27 साल की उम्र में आपका जो है भाग्योदय होने शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में लास्ट घर, बारहवां घर। बारहवें घर में अगर है चंद्रमा तो आपको जो है ये विदेश यात्राओं पर लेकर के जाता है, आपको आपके जन्म स्थान से दूर आपको स्थापित करेगा ये, ठीक है। और ये है कि यहाँ पर थोड़ा से अगर ये चंद्रमा खराब हुआ तो लॉसेस होंगे गैम्बलिंग की वजह से, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं वहाँ पर, और जो है आपको जो पानी से रिलेटेड जो कुछ एक थोड़ा सा अंदेशा खतरा है वो 45 या 45 की उम्र में है, ठीक है, एज ऑफ 3
तीन साल की उम्र में और 45 की उम्र में ये आपको खतरा है। ठीक है, तो ये था आपके लिए चंद्रमा का 12 भावों में फल। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू एज ऑलवेज़।